फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी रेड और पिंक लिपस्टिक्स। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप ब्राउन और न्यूड लिपस्टिक्स को भी देखना चाहते हो, तो आपने बोला भाई हाँ। तो मैंने सोचा तो क्यों नहीं मैं आज आपके साथ लेकर आई हूँ भाई 20 से भी ज़्यादा न्यूड और पिंक लिपस्टिक, जो कि मेरी फेवरेट है। मतलब है तो बहुत सारी, बट ये मेरी फेवरेट है, तो मैं आपके साथ आज इन्हें शेयर करने वाली। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही डार्क कलर की ब्राउन लिपस्टिक। मैंने इसे एक दो बारी ही लगाया है, बट मैं हमेशा इसे ना मिक्स करके लगाती हूँ, एक बिल्कुल न्यूड शेड के साथ इसे मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इतनी डार्क लिपस्टिक को लगाना। बट हाँ, कई लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है बहुत बोल्ड लिपस्टिक लगाना, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ, मैंने सुना है कि इसकी पैकेजिंग हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक की तरह है। ना तो मेरे पास हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है, तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, पैकेजिंग मैंने सुनी है कि इस लिपस्टिक की हुडा ब्यूटी की कॉपी टाइप की है। यह है स्विस ब्यूटी की, हुडा ब्यूटी स्विस ब्यूटी नाम भी एक जैसा ही है। अगर मैं इसके शेड की बात करूँ, शेड नंबर है 19 डार्क ब्राउन। मैं स्क्रीन पर सबके शेड लिख दूँगी, ब्रांड का नाम भी लिख दूँगी, ताकि आपको बिल्कुल पता चल जाए। इसका शेड आप देखो, गजब का शेड होने वाला है इसका। मैं अपने हाथ पे आपको लगा के दिखाती हूँ। वैसे मैं हाथ पे आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पर ही, ताकि ना आपको पता चल जाए। हाथ पे नहीं लगा रही हूँ मैं अभी, अलग से जो मैं वीडियो शूट करूँगी ना, उसमें मैं आपको सब हाथ पे मुंह पे सब पे लगा के दिखाऊँगी ये आप देख सकते हो, इसका शेड बहुत ही डार्क ब्राउन है, बहुत प्यारा शेड है। अगर आपको डार्क लिप्स पसंद है ना, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर कॉस्मेटिक की लिपस्टिक। अगर मैं इसका नाम बताऊँ आपको, तो इसका नंबर है 49 न्यूड मोड। अब नाम में ही न्यूड है, तो शेड भी वैसा ही होगा। बहुत ही प्यारा सा इसका शेड होने वाला है, बहुत ही प्यारा सा। मतलब ये एक ऐसा शेड है ना, आपने आई मेकअप लाइट किया हो डार्क किया हो, ये सबके साथ चल जाएगा। ब्यूटीफुल शेड है। पहले मैंने इसका एक मिनी मंगवाया था, फिर मुझे पसंद आया तो मैंने इसका एक बड़ा वाला लिपस्टिक मंगवाया है। वैसे मैं शुगर के ना मिनीज के पाउच लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, जिसमें पैक ऑफ 4 होते हैं ना, देख सकते हो आप। ये भी दो शुगर की मिनी लिपस्टिक हैं। इसका शेड है 09, ये है शेव मूव, यही नाम है इसका, शायद मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। 1.1 ml की आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है। ये एक थोड़ा सा ना पिंकी न्यूड शेड टाइप का है, काफ़ी प्यारा सा। और सेकेंड जो शेड है मेरे पास, ये है 12 नंबर डॉन नाम है इसका, और ये एक थोड़ा सा ब्राउनिश शेड है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं शुगर की लिपस्टिक्स जो है ना, इनका मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। शादी में जाओगे सब खाकर आ जाओगे, घर पर आकर आप ही इसे उतारोगे, खुद से ही उतरने वाली नहीं होती है। एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्स कॉस्मेटिक्स के लिप क्रियॉन्स, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। अभी मैंने जो लगा रखा है वो यही वाला है। ये है मार्स कॉस्मेटिक का, शेड नंबर है इसका 09 स्माइल प्लीज़, कर दिया स्माइल तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके साथ ना आपको एक शार्पनर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये रिटेक्टेबल नहीं है, शार्पन आपको करना पड़ता है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने अभी लगा रखा है, काफ़ी प्यारा सा शेड है ये और ब्यूटीफुल। अगर आपको चॉकलेट ब्राउन कलर की लिपस्टिक पसंद आती है, तो आप मार्स के इस लिप क्रियॉन को ट्राई कर सकते हो। इसका नाम है गर्ल पावर, 10 नंबर है इसका, बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट ब्राउन शेड है ये, आपको डेफिनेटली इसे ट्राई करना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगी बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये काफ़ी प्यारा है, इसे आप देख सकते हो। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का, इसका नंबर है 01 जॉयफुल। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको डेरी मिल्क किसी ने गला के ना लिपस्टिक की बॉटल में डाल दी, बिल्कुल वही वाली फील आने वाली है आपको। ये आप देखो इसका शेड, बिल्कुल डेरी मिल्क वाला कलर है इसका मतलब निकाल के अगर आप हाथ पे लगा लोगे ना, तो बच्चों को लगेगा आपने चॉकलेट रखी हुई है, चाट जाएंगे वो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बट हम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये शेड। एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जस्ट हर्ब्स का ये वाला शेड। जस्ट हर्ब्स मेरा फेवरेट ब्रांड है लिपस्टिक के लिए। जब भी मुझे बुलेट लिपस्टिक लेनी होती है, मैं इसकी ट्राई करती हूँ। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत अच्छी है, बट हाँ एक ही प्रॉब्लम है इनके साथ कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। बुलेट लिपस्टिक हैं, क्रीमी फॉर्मूला के साथ आती हैं, तो आपको इसे ना कॉम्पैक्ट से सेट करना पड़ता है। बट शेड रेंज इनकी बहुत अच्छी है, मतलब आयुर्वेदिक लिपस्टिक में इतनी शेड रेंज मिल जाए तो बात ही क्या है। ऊपर से पैकेजिंग देखो, किसी के भी सामने निकाल के आप लगा ली ना ये, तो वो बंदा आपकी लिपस्टिक ही देखता रह जाएगा, इतनी मस्त वाली है। इसका ये ब्राउन शेड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये आप देख सकते हो। और लिपस्टिक तो है ही गजब की शेड और भी ज़्यादा गजब का है। एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ
ये मैंने मंगवाई थी मेबलिन के पाउच लिपस्टिक, पैक ऑफ 4 आता है ये, आपको सिंगल नहीं मिलेगा। उन चारों में ये वाला मेरा फेवरेट है। अगर मैं इसके नंबर की बात करूँ तो 06 बेस्ट बेबी नाम है इसका। ये शायद आपको इस तरीके के बड़े लिपस्टिक में भी मिल जाएगा, बड़े लिपस्टिक में मिल जाएगा तो डेफिनेटली परचेज कर लेना, अदरवाइज सिर्फ इसके लिए आपको 4 लेने की मुझे नहीं लगता कि होड़ पड़ी है या ज़बरदस्ती है। एक जो मेरा करंट लव है ना, ये है फेसिस कैनेडा की कम्फी मैट लिपस्टिक। न्यूड शेड तो इसका बहुत ही गजब का है। पैकेजिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही छोटू सी लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारी सी पैकेजिंग है। शेड की अगर मैं बात करूँ इसके तो 09 शेड है इसका। MRP है इसका 399 रुपीज़, बट ऑफकोर्स ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। इसमें शेड्स बहुत सारे आते हैं बट ये वाला मेरा फेवरेट है। मेरे को भी ब्रांड ने जब ये दिए थे 4-5 शेड दिए थे, मुझे बाकी के 4 पता भी नहीं है कि कहाँ रखे हुए हैं, बट हाँ ये वाला मेरे पास हमेशा रहता है क्योंकि मैं इसे काफ़ी यूज़ करती रहती हूँ। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है NYB शक्ति का। अगर आपको बिल्कुल लाइट न्यू शेड पसंद है जैसे मैंने अभी लगा रखा है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके साथ प्रॉब्लम यही है कि भाई स्टिकर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, दोनों जगह से हट गया। अब मुझे पता ही नहीं है कि ये कौन सा वाला शेड है। तो इस तरीके की पैकेजिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। एक है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट मैट मेल्ट मिनी, ये है लैक्मे की मिनी लिपस्टिक। इसमें अगर मैं शेड की बात करूँ 302 ब्राउन सोवेनियर ब्रांड है इसका, शेड नंबर है इसका। इसका शेड बहुत अच्छा है और इसका पता है टेक्सचर बहुत लाइट है। मतलब आपको वो थिक लिपस्टिक्स पसंद नहीं है जैसे कि शुगर की होती है, मेबलिन की होती है। अगर आपको वो गाढ़ी लिपस्टिक्स पसंद नहीं है, उससे आपके होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हल्की है, तो आपको अगर एग्जैक्ट डार्क कलर चाहिए तो आपको 2 बारी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 1 स्वाइप में भी आपको बहुत अच्छा कलर मिल जाता है। इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी लाइट है। ये भी मेरे पास 6 थे, मुझे नहीं पता बाकी के 5 कहाँ हैं, सिर्फ एक ही पता है, तो आप सोच सकते हो कि ये मुझे कितनी पसंद है। एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यह फेसेस कैनेडा की लिपस्टिक। मुझे इसकी पैकेजिंग के साथ बस इतना ही प्रॉब्लम होता है कि जो इस तरीके की लिपस्टिक्स होते हैं ना, ये बाहर से पता चल जाता है कि कौन से शेड के, इसके साथ ऐसा नहीं पता चलता है। शेड की अगर मैं बात करूँ, इसका नाम है फॉरएवर रेड। रुको मैंने दूसरी उठा ली क्या? नहीं, बट यार ये शेड तो मुझे ब्राउनिश सा लगता है, नाम है इसका फॉरएवर रेड, आई डोंट नो, बट ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है। इसके कर्व्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है फेसेस कैनेडा, जो कि बहुत मस्त लगता है। 2 मेरे पास है वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक। ये मेरी सबसे पुरानी, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, 3 साल के अप्रॉक्स इन्हें हो गए होंगे, 2.5-3 साल के अप्रॉक्स, जब से मैंने लिपस्टिक्स की वीडियो बनानी शुरू करी। ये मेरी फर्स्ट न्यूड लिपस्टिक्स हैं जिसमें ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोरल करप्शन। ये तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास देखा होगा, सुना होगा। ये है वेट एंड वाइल्ड का कोरल करप्शन, बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। एक तो एप्लीकेटर इसका बहुत अच्छा है और ये थोड़ी सी ना थिक लिपस्टिक है, तो 1 स्वाइप में आपको अच्छा सा कलर भी दे देती है। सेकंड, अगर आपको बिल्कुल ही न्यूड चाहिए तब आप इसे ट्राई कर सकते हो, यह है न्यूडिश पीच। मैं हमेशा जब भी इतनी न्यूड लिपस्टिक लगाती हूँ ना, मुझे चाहिए उसके साथ एक डार्क लिपस्टिक भी, ताकि मैं थोड़ा सा आउटलाइन डार्क से कर सकूँ, फिर अंदर ये कर लूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल न्यूड अपने फेस पर अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मिक्स करके लगाने के लिए बहुत अच्छी लगती है ये, तो आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और इनकी तो आप शक्ल देखकर ही समझ जाओगे कि ये कितनी यूज़ करी हुई है। यहाँ से आप देखोगे खाली पड़ी है। लास्ट में आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छी लगती थी मुझे जब मैंने अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया था, तो मैं इसे बहुत लगाती थी। यह ग्लैम 21 की, आई डोंट नो कि ये अभी भी आती है कि नहीं, बट इसका शेड बहुत अच्छा है, डार्क चॉकलेट नाम है इसका। ग्लैम 21 की है ये, और ये बिल्कुल डेरी मिल्क वाले ही कलर की है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आप भी न्यूड लिपस्टिक के लवर हो, ब्राउन लिपस्टिक के लवर हो, तो आप इन लिपस्टिक्स को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। लिंक मैं आपको सबके दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, क्या बोलना था मैं भूल गई। चलो फिर बोल देती हूँ। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। आप मुझे ढूंढ सकते हो नीमा शर्मा 15 के नाम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।